दोस्तों यदि आप भी एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप भी अपने स्मार्टफोन के अंदर रिंगटोन जरूर से सेट करते रहोगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जहाँ से आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहला तो आप रिंगटोन सेट कर सकते हो और दूसरा वीडियो के एंड में बताऊँगा क्योंकि दूसरा काफ़ी इम्प्रेसिव होने वाला है, यानी कि आपको दूसरा जो ट्रिक पता चलेगा उससे आप काफ़ी इम्प्रेस होने वाले हो कि काश मुझे पहले ही पता होता तो मैं एक ही एप्लीकेशन से दो काम कर सकता था। तो यहाँ पर आपको क्या करना, यदि आप रिंगटोन सेट करते हो और आप चाहते हो कि एक क्लिक में सेट करो, यहाँ पे आपको पता है अगर आपको कोई रिंगटोन पसंद आ जाता है तो आप क्या करते हो, पहले उसे प्ले स्टोर में जाते हो, वहाँ पे सर्च वगैरह करते हो, उसके बाद जाकर के आप बिटमेट से या कहीं से डाउनलोड करते हो। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आपका सेट नहीं होता, उसे कटपिट करना पड़ता है। तो ये सब मत करिए, आप अपना टाइम भी बचाइए, मात्र एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर रखिए और वो सारा काम आपका हो जाएगा। जो भी आपको रिंगटोन सेट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं। बताने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किस बात का वेट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करोगे वो तो वीडियो के आपको मिडल में ही बताऊंगा, तो वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन को सेटअप कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। तो एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे पहले यहां पर आप तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज वगैरह देखने को मिल जाती है। तो कैटेगरीज के ऑप्शन पे आप जाओगे ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो तो कैटेगरीज आपको मिल जाता है, फनी हो गया, हॉरर हो गया, या फिर यहाँ पे अलार्म हो गया, फिर तो हम जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक वाले पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको क्लासिकल जितने भी म्यूजिक रहेंगे, अगर आपको क्लासिकल पसंद है तो यहाँ पर आपको जितने भी रहेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखोगे आपको कैटेगरीज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जितने भी क्लासिकल सिंगर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी जिनका भी आपको पसंद आता है यहाँ पर उनका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो आपके अपने हिसाब से अपने मनपसंद से जो भी पसंद आएगा ना उन पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर जा करके आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, आप जितना भी नीचे जाओगे उतने आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जितने भी कैटेगरीज रहेंगे सभी के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आएगा आप उसे सेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, पहले प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप प्ले करके भी यहाँ पे सुन सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप रिंगटोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली बीटा डाउनलोड किए अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप बिना डाउनलोड किए यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं, रिंगटोन सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलर्ट टोन हो गया, अलार्म हो गया, या पर्सनल कॉन्टैक्ट पे सेट करना चाहते तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है कि हम लोग बिना डाउनलोड किए भी सेट कर सकते हैं, पहले डाउनलोड करना पड़ता है फिर सेट करना पड़ता है, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है कि आपका आपका टाइम भी बच जाता है और यहाँ डायरेक्टली आप लोग सेट कर लेते हैं, तो सेट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा वाला था, जो दूसरा फीचर से, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से बैक कर लेते हो यहाँ पर आपको मिलता है वॉलपेपर का ऑप्शन, जैसे आप वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या पसंद है, एनिमल पसंद है, क्विड्स हो गया, फिर आर्ट हो गया, या फिर कार्टून व्हीकल्स, तो मैं यहाँ पर व्हीकल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे HD वाले व्हीकल्स के यहाँ पर आप लोगों को वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आप आओगे तो आपको स्पोर्ट्स हो गया, अगर स्पोर्ट्स कार्ड चाहिए तो स्पोर्ट्स कार्ड्स के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी स्पोर्ट्स कार होते हैं यहाँ पर, लैम्बोर्गिनी या फिर अलग अलग तरीके के जितने भी होते हैं सारे आपको स्पोर्ट्स कार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सभी के वॉलपेपर आप यहां से सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मुझे ये वाला काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में, तो यहां पे अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन भी मिल जाता है, डाउनलोड करने से डायरेक्टली आप सेट भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा है इस एप्लीकेशन का, मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि क्या होता है ना बाकी एप्लीकेशन का पहले डाउनलोड करो उसके बाद ही आप सेट कर सकते हो, बट यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है बट यहाँ से डाउनलोड किए बिना भी आप लोग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि लॉक स्क्रीन पर करना कि होम स्क्रीन पे करना है तो हम यहाँ पर होम स्क्रीन पे कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परमिशन मांगेगा तो परमिशन वगैरह आपको दे देना होगा। जैसे आप परमिशन देंगे तो यहाँ पर आप देखना आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे यहाँ पर वॉलपेपर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाते हैं होम के ऑप्शन पर, देखते हैं सेट हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो वॉलपेपर है वो पूरी तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है और देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, HD क्वालिटी का होता है, ऐसा नहीं कि आपको लो क्वालिटी का, फुल HD क्वालिटी का मिल जाता है, यानी कि आप
एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे दो काम आप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपको टाइप करना होगा रिंगटोन। अब जैसे आप रिंगटोन टाइप करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर कितने लोग डाउनलोड कर रखे हैं, 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। समझ सकते हो कितना ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 10 मिलियन लोग मतलब बहुत होते हैं, तो 10 मिलियन से प्लस ज़्यादा इसे डाउनलोड किए आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका रिव्यू भी 4.6 का अच्छा खासा रिव्यू भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है।